बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जहां अपने नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं तो वहीं महागठबंधन के साथी भी आग दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी तो समन्वय समिति का गठन नहीं करने को लेकर महागठबंधन से अपनी राह अलग करने की भी बात कह चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने भी मांझी के सुर में सुर मिला दिए हैं, जिसके बाद आरजेडी की मुश्किलों में इजाफा होना तय माना जा रहा है। तो क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी यादव जहां सत्ता पक्ष की खामियां गिनाकर सत्ता में आरजेडी की वापसी का ख्वाब देख रहे हैं, तो वहीं इनके इस ख्वाब को पूरा करने की राह में अपने ही साथी बाधा बनकर खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल महागठबंधन में समन्वय समिति की मांग को लेकर आरजेडी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पहले ही आमने सामने आ चुकी हैं, लेकिन तेजस्वी जीतन राम मांझी को तवज्जो देते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी मांझी के सुर में सुर मिला दिए हैं। गोहिल ने कहा कि महागठबंधन में समन्वय समिति जरूरी है। गोहिल ने कहा कि महागठबंधन में समन्वय समिति होनी चाहिए और गठबंधन के सभी घटक दल भी यही चाहते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि महागठबंधन का सबसे बड़ा दल आरजेडी भी समन्वय समिति के पक्ष में है और इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आरजेडी भी बैठक में ये स्वीकार कर चुकी है कि समन्वय समिति होनी चाहिए। अब भले ही गोहिल दावा कर रहे हो, लेकिन आरजेडी की तरफ से अब तक समन्वय समिति को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि मांझी महागठबंधन से दूर जाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ने के संबंध में पूछे जाने पर गोहिल ने कहा, हम तो चाहते हैं कि सभी एक विचारधारा के लोग मिलकर चुनाव लड़ें। बिहार में जनता परेशान है, दुखी है। बीजेपी और जेडीयू में न ताल है और न मेल है। दोनों की विचारधारा अलग है। अन्नदाता परेशान है, जनता दुखी है, सब तरह के लोग परेशान हैं। बिहार के लोग चाहते हैं कि एक विकल्प मिले। अब देखना होगा कि समन्वय समिति को लेकर दिया गया कांग्रेस का बयान सूबे में क्या हलचल मचाता है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के बयान से आरजेडी की टेंशन जरूर बढ़ सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।